हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नवजीवन चिल्ड्रन एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस। क्लास 10 में अपने स्टार्ट कर रखा है एक्सरसाइज 2, और एक्सरसाइज 2 अपने 2.1 पढ़ रहे थे, जिसमें यूक्लिड डिवीजन लेमा का एप्लीकेशंस पढ़ रहे थे। कल अपने कुछ एग्जांपल पढ़े थे और कुछ क्वेश्चंस किए थे इसके, कि अपने किस प्रकार से यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करते हुए किसी दूसरे स्टेटमेंट को अपने को प्रूफ करना है। फॉर एग्जाम्पल, कल अपने प्रूफ किया था कि किसी इंटीजर्स का जो फॉर्म है वो क्या हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल, पॉजिटिव इंटीजर्स को अपने किस फॉर्म में लिख सकते हैं, 3q 3q+1 3q+2 की फॉर्म में लिख सकते हैं। सिमिलर एक्सरसाइज 2.1 की बात करते हैं, तो इसके जगह अगर क्वेश्चन अपने 1 की बात करते हैं, तो क्वेश्चन 1 में अपने को क्या करना है कि जो प्रूफ करना है या अपने को जो शो करना है वो प्रूफ करना है कि एनी पॉजिटिव स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ 8q+1। ये आपको प्रूफ करना है। क्वेश्चन 1 की अगर अपने बात करते हैं, तो उसमें आपको जो प्रूफ करना है कि स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज किस फॉर्म में है, 8q+1, वेयर क्यू एक पॉजिटिव इंटीजर है। जिस प्रकार से कल अपने एक एग्जांपल पढ़ा था कि हिंदी की कोई भी पॉजिटिव इंटीजर्स को किस फॉर्म में लिखा जाता है, सिमिलर क्वेश्चंस है। बट यहां अब आपको क्या है कि किसी पॉजिटिव इंटीजर्स का ही फॉर्म नहीं चाहिए, आपको यहां क्या है कि स्क्वायर चाहिए किसका, पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स का। कि इंटीजर भी होना चाहिए, ऑड नंबर भी होना चाहिए और पॉजिटिव होना चाहिए। तो उसका जो स्क्वायर है वो किस फॉर्म में लिख सकता है, 8q+1 के फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर अपने यहाँ यूक्लिड डिवीजन लेमा का बात करें, तो यूक्लिड डिवीजन लेमा ये बोलता है कि कोई एक नंबर जो है वो किस फॉर्म में लिखा जा सकता है, bq+1 के फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो ये तो अपने पास में क्या है कि एक नंबर है और उसकी ये फॉर्म है bq+r। यहाँ क्यू क्या है, क्वेश्चन है, और अपने पास में आर क्या है, रिमाइंडर है। बट यहाँ जो है आपको क्या फाइंड करना है, स्क्वायर फाइंड करना है। आपको ओनली एक नंबर फाइंड नहीं करना है, आपको तो क्या है कि उस नंबर का स्क्वायर फॉर्म फाइंड करना है, कि उसका स्क्वायर फॉर्म क्या होना चाहिए, 8q+1 होना चाहिए। कल अपने जैसे बात कर रहे थे कि एनजीपी अपने पास में ये हो सकता है डिवाइड, तो अब अपने को यहाँ पॉजिटिव ऑड इंटीजर की अगर अपने बात करते हैं, तो पॉजिटिव ऑड इंटीजर तो अपने सिलेक्ट कर रहे हैं कि एनजी अपने पास में क्या है, एक है। अब अपने को यहाँ क्या चाहिए, बी चाहिए। तो अगर अपने को बी एक ऐसा फॉर्म लेके आना पड़ेगा कि जो इस नंबर के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा हो, यहाँ आप अपने को क्या चाहिए, बी एक ऐसा नंबर चाहिए जिसका स्क्वायर जो है वो 8 से अपने पास यहाँ डिवाइड होना चाहिए। कल अगर अपने बात कर रहे थे लास्ट प्रीवियस क्लास में, तो प्रीवियस क्लास में तो यहाँ अपने सिमिलर जो बी ले रहे थे वो यहाँ क्यू का मल्टीपल ही ले रहे थे, कि क्यू का जो कोफिशियंट है वही अपने क्या कंसिडर कर रहे थे, बी कंसीडर कर रहे थे। बट अगर अपने आज यहाँ बात करेंगे, तो यहाँ ये जो 8 है वो क्यू का जो कोफिशिएंट्स है, तो वो एक ऐसा नंबर होना चाहिए कि इस नंबर का जो स्क्वायर है वो डिविजिबल होना चाहिए किससे, 8 से। तो यहाँ अपने बी एक ऐसा नंबर कंसीडर करेंगे। फॉर एग्जांपल, कि अगर अपने 1 कंसीडर करें, कि अगर अपने बी कितना 1 कंसीडर कर रहे हैं, तो इट मींस कि यहाँ बी का जो स्क्वायर होगा, इट मींस 1 का स्क्वायर जो होगा, तो 1 का स्क्वायर अपने पास में कितना होगा, 1 होगा। तो 1 से कह रहे कि 8 से डिविजिबल नहीं है। सेकंड, अगर अपने बात करते हैं बी, अगर अपने एज्यूम करते हैं 2, देन 2 का जो स्क्वायर है वो अपने पास में 4 है, तो यहाँ ये 8 जो है वो भी डिविजिबल, जो अपने पास में 4 है वो भी डिविजिबल नहीं है 8 से। अगर अपने यहाँ 3 की बात करते हैं, तो 3 का स्क्वायर कितना होगा अपने पास में, 9। तो अगर अपने 9 की बात करें, तो 9 भी डिविजिबल नहीं है 8 से कम्प्लीटली। नेक्स्ट, अगर अपने बात करते हैं 4, तो 4 का अगर अपने स्क्वायर की बात करते हैं, देन अपने पास में यहाँ 16, जो कि 16 जो है वो 8 से क्या होगा, डिविजिबल होगा। इट मींस यहाँ जो कोफिशिएंट्स अपने पास में 8 गिवन है, तो इस बार अपने 8 ने लेकर अपने बी कौन सा लेके 4 लेंगे, क्योंकि तो यहाँ जो बात की जा रही है वो किसकी बात की जा रही है, स्क्वायर की बात की जा रही है। तो अगर अपने यहाँ बात करेंगे कि स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर किस फॉर्म में लिखा जा सकता है, इस फॉर्म में लिखा जा सकता है,
तो सबसे पहले अपने a जो है वो कंसीडर कर रहे हैं कि अपने पास में क्या है, पॉजिटिव ओड इंटीजर है जो अपने a अज्यूम कर रहे हैं। और यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या बोलता है कि a को किस फॉर्म में लिखा जा सकता है, bq प्लस में r की फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो अब अपने यहां a b कितना कंसीडर करेंगे, 4 कंसीडर करेंगे, देन यहां अपने पास में 4q अपने पास में आ जाएगा, इसलिए आ जाएगा क्योंकि 4 का अगर स्क्वायर करेंगे तो 16 8 से अपने पास में क्या होगा, डिविजिबल होगा, तो ये 4q आ गया। अब अपने को क्या चाहिए, ऑड इंटीजर चाहिए, तो ऑड के लिए अपने पास में क्या होगा, प्लस 1 हो सकता है और अपने पास में कितना हो सकता है, 4q प्लस में 3 हो सकता है। तो अगर अपने यहां बात कर रहे हैं कि a अपने पास में क्या है, पॉजिटिव ऑड इंटीजर है जो कि a है, तो अब a की जो फॉर्म होगी अपने पास में वो किस फॉर्म में होगी, 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3 होगी। बट अपने को यहां जब प्रूफ करना है किस फॉर्म में करना है, q वेरिएबल यहां यूज किया जा रहा है, तो अगर q वेरिएबल यहां यूज किया जा रहा है जो अपने को बाद में प्रूफ करना है, तो अपने जो स्टार्टिंग में कंसीडर कर रहे हैं तो यहां q कंसीडर नहीं करते हुए इसको एक किसी अदर वेरिएबल, फॉर एग्जांपल कि मैं इसको m फॉर्म में ले लेता हूं, तो यहां अपने पास में 4m प्लस 1 और 4m प्लस 3 फॉर्म में होगा। अपने को जो फाइंड करना है वो स्क्वायर फाइंड करना है किसी पॉजिटिव ऑड इंटीजर का, कि स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर को किस फॉर्म में लिखा जा सकता है, 8q प्लस 1 की फॉर्म में लिखा जा सकता है, ये अपने को प्रूफ करना है। और अपने ये जो प्रूफ कर रहे हैं वो किससे कर रहे हैं, यूक्लिड डिवीजन लेमा का एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा ये बोलता है कि a इक्वल टू अपने पास में क्या होगा, bq प्लस r की फॉर्म में होगा। अब यहां लास्ट प्रीवियस क्लास में जब अपने बात कर रहे थे तब तो यहां सिंपल स्क्वायर नहीं था, ओनली अपने को बोला जा रहा था कि कोई नंबर है, मे बी कि वो पॉजिटिव इंटीजर है, मे बी कि वो ओड इंटीजर है, तो वो डायरेक्ट अपने को यहां गिवन होता था, तो अपने यहां भी उसी फॉर्म में ले लेते थे। बट यहां डायरेक्ट फॉर्म ना गिवन में देकर अपने को पूछा जा रहा है कि उसका स्क्वायर, तो स्क्वायर के लिए अपने एक ऐसा नंबर सेलेक्ट करेंगे कि उसी का जो स्क्वायर होगा वो किससे डिविजिबल होना चाहिए, 8 से डिविजिबल होना चाहिए। तो अपने बी के यहां अलग-अलग टाइप्स एक बार पुट करके देखें, फॉर एग्जांपल कि अगर अपने यहां 2 पुट कर रहे हैं तो 2 का स्क्वायर 4 जो कि डिविजिबल नहीं है 8 से, अगर अपने 3 की बात करते हैं देन 9 जो भी कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है 8 से, 4 की अगर अपने बात कर रहे हैं तो 4 का स्क्वायर अपने पास 16 आ रहा है जो कि कंप्लीटली डिविजिबल है किससे, 8 से। तो यहां अपने कंसीडर करेंगे b एज ए 4, अगर b अपने एज ए 4 कंसीडर कर रहे हैं देन bq अपने पास में कितना जाए, 4q, अगर अपने को ऑड इंटीजर चाहिए तो ऑड के लिए अपने पास में प्लस 1 प्लस 3 हो जाएगा। अब अपने को फाइनली प्रूफ करना है वो q की फॉर्म में करना है, इसलिए अपने यहां स्टार्टिंग जैसे नंबर कंसीडर कर रहे हैं तो उसको q की फॉर्म में कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि q तो अपने को बाद में प्रूफ करना है, इसलिए मैं यहां q को किसी अदर वेरिएबल, फॉर एग्जांपल मैं इसको m से रिप्लेस कर रहा हूं, तो यहां इस बार अपने पास में जो a की फॉर्म जो होगी तो a की फॉर्म अपने पास में हो जाएगी 4m प्लस 1 और 4m प्लस 3। अब ये तो अपने यहां फाइंड किया है और ये इस फॉर्म में यहां डिटरमाइन करके फाइंड किया है, तो यहां अगर अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो यहां अपने एक बार लिखेंगे कि सिंस वी नो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर जो होगा वो अपने पास में a इक्वल टू 4m प्लस 1 4m प्लस 3 की फॉर्म में है। नाउ केस 1, अगर अपने केस 1 की बात कर रहे हैं देन a कंसीडर कर रहे हैं अपने 4m प्लस 1, अपने को यहां जो फाइंड करना है वो सिंपल ये नंबर कंसीडर नहीं करना है, अपने को तो उसका स्क्वायर फाइंड करना है, देन स्क्वायर के लिए अपने पास में दोनों साइड स्क्वायर करेंगे, तो ये a स्क्वायर अगेन 4m प्लस 1 का स्क्वायर, अगर अपने 4m a प्लस b का होल स्क्वायर ओपन करेंगे देन a प्लस b का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, सिमिलर यहां अपने पास में 4m स्क्वायर प्लस 2 a अपने पास 4m प्लस 1 स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर देन 16m स्क्वायर प्लस 8m प्लस 1 a स्क्वायर अपने पास में आया है 16m स्क्वायर प्लस 8m प्लस 1 a स्क्वायर दोनों में से अगर अपने यहां a कॉमन ले रहे हैं देन 2m स्क्वायर प्लस m प्लस 1। अब अपने यहां m की फॉर्म में जो कंसीडर किया था तो ये m अपने पास में 2m स्क्वायर प्लस m जो कि अपने इंटीजर कंसीडर कर रहे थे, तो वही इंटीजर अपने पास में क्या होगा, q इंटीजर होगा। सो लेट अगर अपने यहां अज्यूम कर लेते हैं कि जो अपने q है वो कितना 2m स्क्वायर प्लस m,
अगर अपने यहाँ कंसिडर कर रहे हैं देन ए स्क्वायर का जो फॉर्म होगा वो इस बार 8q+1 की फॉर्म में आ जाएगा। ये केस अपने पास में जो फर्स्ट था कि कोई पॉजिटिव ऑड इंटीजर जो अपने इस फॉर्म में अज्यूम कर रहे थे तो उसका जो स्क्वायर है वो किस फॉर्म में लिखा जा रहा है, 8q+1 की फॉर्म में लिखा जा रहा है। नेक्स्ट अगर अपने केस 2 की बात करते हैं तो अगर अपने केस 2 कंसिडर करें देन ए फॉर्म में अपने पास में 4m+3 अगेन ए स्क्वायर 4m+3 स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर अगर अपने ओपन करेंगे देन 4m² 16m² प्लस 2ab 24 8 3 24 m प्लस 9 3 स्क्वायर 9 ये अपने पास में इसका स्क्वायर ओपन हुआ है। नेक्स्ट अगर अपने बात करेंगे देन 16m² प्लस 24m 9 कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ 8+1 ए स्क्वायर। इन तीनों टर्म्स में से अगर मैं यहां 8 कॉमन ले लूं देन ये आ जाएगा अपने पास में 2m² प्लस 3m प्लस 1 प्लस 1। इस केस में अगर अपने यहां क्यों कंसीडर कर रहे हैं क्योंकि यहां m अपने एक क्या है कि इंटीजर कंसीडर किया था देन यहां 2m² प्लस 3m प्लस 1 तो ये पूरा टर्म्स ये क्या होगा इंटीजर्स होगा और उसी इंटीजर्स को अपने q की फॉर्म में कंसीडर करें देन q अपने पास में आ जाएगा 2m² प्लस 3m प्लस 1 और उसी को अपने यहां पुट करेंगे देन a स्क्वायर इक्वल टू 8q+1। सो अगर अपने यहां बात कर रहे हैं कि किसी अपने पॉजिटिव ऑड इंटीजर को कंसीडर किया जिसकी फॉर्म अपने पास में यहां थी 4m प्लस 1 और 4m प्लस 3 अपने को इसका स्क्वायर फाइंड किया था देन अपने यहां जो स्क्वायर फाइंड कर रहे हैं देन इस स्क्वायर फॉर्म में भी अपने पास में 8q+1 फॉर्म में आ रहा है। सेकंड केस को कंसीडर किया उसमें भी अगर अपने यहां स्क्वायर फॉर्म फाइंड कर रहे हैं देन वो स्क्वायर फॉर्म अपने पास में 8q+1 फॉर्म में आ रहा है। सो अगर अपने बोथ कंसीडर को कंक्लूड करके लिखें देन वी कैन से दैट सो एनी सो स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ 8q+1 जो कि अपने को क्या है प्रूफ करना था। सो हेंस प्रूफ। तो ये क्वेश्चंस आपका क्या है कि फर्स्ट था कल अगर अपने इसके फिफ्थ क्वेश्चंस की बात करें तो फिफ्थ क्वेश्चंस में अपने क्या किया था HCF फाइंड किया था और वही HCF को अपने एक अलजेब्रिक इक्वेशंस में पुट किया था तो वहां से अपने x की वैल्यू फाइंड की थी। क्वेश्चन 4 की अगर अपने बात करते हैं तो क्वेश्चन 4 में अपने HCF फाइंड करना होता था यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करते हुए स्टेप बाय स्टेप। स्टेप क्वेश्चंस जो 3 था तो वो अपने पास में क्या है कि पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स को किस फॉर्म में लिखा जा सकता था तो वो अपने कल फाइंड किया था। क्वेश्चंस 1 जो है इसका वो क्या है कि स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर 8q+1 की फॉर्म में है तो वो अपने यहां प्रूफ किया है। तो स्टूडेंट्स आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट अब अपने बात कर रहे हैं यहाँ क्वेश्चंस 2 का जो एक्सरसाइज अपने पास में 2.1 चल रही है तो उसका ओनली 1 क्वेश्चन रिमेनिंग है और उस 1 क्वेश्चंस के अगर अपने बात करेंगे तो यहाँ क्वेश्चंस 2 है और उस क्वेश्चंस अगर 2 की बात करेंगे तो क्वेश्चंस 2 में अपने को जो प्रूफ करना है वो इस बार स्क्वायर प्रूफ नहीं करना है आपको क्यूब जो है वो प्रूफ करना है। तो क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ 9q और 9q+1 और 9q+8। आपको जो फाइंड प्रूफ करना है क्वेश्चन 2 में वो क्या फाइंड करना है क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर की अगर अपने बात करते हैं यहां क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ 9q 9q+1 और 9q+8 वेयर यहां जो क्यूब है वो क्या है अपने पास में सम इंटीजर की कोई भी अपने पास में यहां एक क्या है कि इंटीजर हो सकता है। सिमिलर अगर अपने यहां बात करेंगे कि अभी अपने प्रीवियस क्वेश्चंस में बात की थी कि वहां स्क्वायर फाइंड करना था तो यहां 9 क्यूब या अगर अपने यहां यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज कर रहे हैं तो यूक्लिड डिवीजन लेमा की अगर अपने बात करेंगे तो यूक्लिड डिवीजन लेमा में a इज इन द फॉर्म ऑफ bq+r फॉर्म में
यहां अपने b कंसीडर कर रहे थे, तो b एक ऐसा नंबर कंसीडर कर रहे थे जिसका स्क्वायर जो है वो डिविजिबल हो रहा था, यहां जो अपने 8 लिखा था, लेकिन इस बार यहां कितना है, 9 है, तो यहां क्या होना चाहिए कि एक ऐसा नंबर अपने सेलेक्ट करेंगे जिसका क्यूब जो है वो किससे डिविजिबल होना चाहिए, 9 से डिविजिबल होना चाहिए। अगर अपने यहां क्यूब की बात करते हैं तो अगर अपने 1 का क्यूब करें तो 1 का क्यूब 1 जो कि डिविजिबल नहीं होगा 9 से, 2 का अगर अपने क्यूब करेंगे देन 8 वो भी डिविजिबल नहीं होगा 9 से, अगर अपने 3 का क्यूब की बात करें देन ये 3 का क्यूब जो होगा वो कितना होगा 27 होगा, तो 27 जो होगा वो डिविजिबल होगा किससे 9 से। तो इस बार अपने यहां जो कंसीडर करेंगे, जो अपने a की फॉर्म में कंसीडर कर रहे थे वो किस फॉर्म में कंसीडर करेंगे, अपने 3 की फॉर्म में कंसीडर कर रहे थे जैसे b क्यूब प्लस में r, तो यहां अपने पास में क्या हो सकता है 3 क्यूब फॉर्म में हो सकता है, या अगर अपने यहां बात करेंगे देन 3 क्यूब प्लस 1 फॉर्म में हो सकता है, या 3 क्यूब प्लस अपने पास में 2 फॉर्म में हो सकता है। तो यहां ये जो 3 क्यूब क्यों आया है, क्योंकि अपने को एक ऐसा नंबर सेलेक्ट करना है, यहां जो भी अगर अपने प्रीवियस क्लास की बात करें तो प्रीवियस क्लास में तो अपने यहां पर सिंपल आपको क्या होता था कि किसी नंबर का फॉर्म गिवन होता था, तो अगर नंबर का फॉर्म गिवन होता था तो डायरेक्ट अपने उसी नंबर से ले लेते थे कि बी यहां क्या होगा, बट अगर अपने यहां बात कर रहे हैं कि लास्ट अगर क्वेश्चंस की बात करें तो वहां अपने स्क्वायर फाइंड कर रहे थे, तो एक ऐसा नंबर फाइंड करें जिसका स्क्वायर डिविजिबल होना चाहिए, यहां अगर अपने क्यूब फाइंड कर रहे हैं तो एक ऐसा नंबर होना चाहिए जिसका क्यूब जो है वो डिविजिबल होना चाहिए किससे 9 से। तो ये बात की अगर अपने लास्ट क्लास की बात करें तो वहां लास्ट क्लास में भी अपने क्वेश्चन नंबर 3, इसका क्वेश्चन नंबर 3 ये था कि पॉजिटिव इंटीजर जो होगा वो किस फॉर्म में लिखा जा सकता है, 3 क्यूब प्लस 1 और 3 क्यूब प्लस 2 की फॉर्म में लिखा जा सकता है, वहां पर भी अपने ये प्रूव किया था, और यहां अपने यहां एज्यूम भी यही कर रहे हैं कि 3 क्यूब प्लस 1 और 3 क्यूब प्लस 2, बट यहां जो आपको फाइनली प्रूफ करना है वो क्यूब का फाइंड करना है किस फॉर्म में, क्यूब की फॉर्म में, तो इसलिए यहां क्यूब कंसीडर न करते हुए आप इसको एक दूसरा वेरिएबल देंगे जो कि अपने m ले रहे हैं, तो यहां a किस फॉर्म में लिखा जा सकता है 3m और 3m+1 और 3m+2 की फॉर्म में आप यहां लिख सकते हैं, देन a यहां अगेन वी नो दैट n पॉजिटिव ऑड इंटीजर कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ a इक्वल टू 3m और 3m+1 और 3m+2। केस 1 कंसीडर कर रहे हैं, अगर केस 1 की बात करें देन a 3m कंसीडर कर रहे हैं, फाइनली आपको फाइंड करना है क्यूब, देन यहां a क्यूब इक्वल टू 3m³, 3m³ की बात करें देन 27m³, अगर 9 में कॉमन ले लूं यहां देन आ गया अपने पास में 3m³, और अगर अपने यहां 3m³ को एक नया वेरिएबल या नया कंसीडर करेंगे देन अपने क्यू वेरिएबल कंसीडर कर रहे हैं या क्यू इंटीजर कंसीडर करेंगे देन ये अपने पास में आ जाएगा 9³, वेयर जो क्यू होगा वो अपने पास में कितना होगा 3m³। केस 2 की बात कर रहे हैं, अगर अपने केस 2 की बात करेंगे यहां तो केस 2 में अपने लिए कंसीडर कर रहे हैं a इन द फॉर्म ऑफ 3m+1 देन a क्यूब अगर आपको फाइंड करना है तो 3m+1 का क्यूब फाइंड करना होगा, तो a प्लस b का अगर अपने को होल क्यूब करना है देन a प्लस b का होल क्यूब का फॉर्मूला होगा आपके पास में a की क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में 3a+b, अगर यहां अपने फॉर्मूला लिखना चाहे तो a प्लस b का होल क्यूब अगर आपको लिखना है देन a क्यूब प्लस 3ab a+b एंड b³। सिमिलर अपने इसी फॉर्मूला से अगर इसको ओपन कर रहे हैं देन a क्यूब 27m³ प्लस 3 a 3m है b 1 है अगेन 3m+1 प्लस 1³ 27m³ प्लस 9m 3m+1 प्लस 1 27m³ 27m²
प्लस 9m प्लस 1, इन तीनों वेरिएबल्स में से तीनों टर्म्स में से अगर मैं यहाँ 9 कॉमन ले लूँ देन 3m क्यूब प्लस 3m स्क्वायर प्लस m n 1। अगर अपने यहाँ एक न्यू कंसीडर करें क्यूब तो क्यूब अपने पास में 3m क्यूब प्लस 3m स्क्वायर प्लस m, तो इस फॉर्म में अगर अपने यहाँ बात करेंगे देन a क्यूब इक्वल टू अपने पास में आ जाएगा 9 क्यूब प्लस 1 फॉर्म। सिमिलर केस थर्ड की अगर अपने बात कर रहे हैं यहाँ तो केस थर्ड में इस बार कंसीडर किया जाएगा a इक्वल टू 3m प्लस 2। अगर अपने यहाँ 3m प्लस 2 की बात करें देन a क्यूब जो आपके पास में होगा वो 3m क्यूब प्लस 3ab a प्लस b प्लस बी क्यूब। यदि अपने यहाँ बात करेंगे देन a क्यूब जो होगा वो 27m क्यूब प्लस 3 9 3 3 9 9 2 18 18 3 54 m स्क्वायर 18 2 36 m प्लस 8। स्टार्टिंग के अगर अपने तीन टर्म्स में से कॉमन ले लें देन यहाँ 9 3m³ + 6m² + 4m + 8। अगर अपने यहाँ नया कंसीडर करेंगे देन a क्यूब इक्वल टू 9³ + 8, जहाँ अपने पास में q जो है वो 3m³ + 6m² + 4m। तो अगर अपने यहाँ केस वन की बात करेंगे देन a क्यूब, a अपने पास में 3m कंसीडर किया था, a क्यूब जो अपने पास में आया वो 9q आया। सेकंड केस में अगर अपने बात करेंगे तो a कंसीडर कर रहे थे 3m प्लस 1, अगर अपने यहाँ a क्यूब फाइंड किया देन 9q प्लस 1 फॉर्म में आया। अगर अपने यहाँ a इक्वल टू 3m प्लस 2 कंसीडर किया देन a क्यूब आपके पास में 9q प्लस 8 फॉर्म में है, जो कि अपने को यहाँ प्रूफ करना था क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव ऑडिटीज मे बी इन द फॉर्म ऑफ 9q, 9q प्लस 1 और 9q प्लस 8। सिमिलर थ्री केसेस में अगर अपने बात की 9q, 9q प्लस 1 और 9q प्लस 8, सो वी कंक्लूड फ्रॉम दीज थ्री केसेस वी कैन से दैट क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर is in the form of 9q or 9q plus 1 or 9q plus 8। तो यहाँ आपका ये जो एक्सरसाइज है वो 2.1 कंप्लीट होता था। एक्सरसाइज 2.1 की अगर अपनी बात करें तो मेनली यहाँ दो ही टॉपिक है, एक तो यूक्लिड डिवीजन लेमा है। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा ऑलरेडी एक क्या होगा स्टेटमेंट होगा, फॉर एग्जांपल a इक्वल टू bq प्लस r के फॉर्म में, और इसी से अपने को दूसरे स्टेटमेंट क्या होंगे प्रूफ करने होंगे इसी स्टेटमेंट का यूज करते हुए। तो फर्स्ट टॉपिक ये था, सेकंड आपका यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम था। तो एल्गोरिथम में क्या होगा कि आपको स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन करना पड़ेगा, और वहां अपने क्या फाइंड कर रहे थे एचसीएफ फाइंड कर रहे थे। तो एचसीएफ फाइंड करने का एक प्रकार से वो क्या है कि लॉन्ग डिवीजन मेथड था जो कि आपको स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन करना था। यहां आपका एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट होती है। अगर किसी भी स्टूडेंट्स को इस एक्सरसाइज 2.1 में कोई डाउट है, कोई अगर डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो प्लीज आप कमेंट करके बताएं। नेक्स्ट अपने बात कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.2 की। एक मिनट, अगर अपने यहाँ एक्सरसाइज 2.2 की बात करें तो इसमें मेनली अपने पास में अगेन वही चीज़ आएगी कि आपको एलसीएम फाइंड करना होगा या एचसीएफ फाइंड करना पड़ेगा। तो इसके लिए एक है अपने पास में बेसिक फंडामेंटल फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक ये बोल रहा है
कि एवरी अगर अपने पास में कंपोजिट नंबर की बात करें तो एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या बोल रहा है कि एवरी कंपोजिट नंबर, जो भी अपने पास में कंपोजिट नंबर होगा वो कैन बी रिटन या कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ या प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। अगर अपने स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन क्लास में बात करें, वहां आपने क्या है कि प्राइम नंबर्स के बारे में पढ़ा था और कंपोजिट नंबर के बारे में पढ़ा था। प्राइम नंबर्स तो वो थे जिनके क्या है कि ओनली या तो डिविजिबल हो किससे, वन से या नंबर इटसेल्फ से। एक ऐसा नंबर जो क्या हो डिविजिबल हो किससे, ओनली वन से या इटसेल्फ से। फॉर एग्जांपल अगर अपने 2 की बात करें तो 2 ओनली डिविजिबल है बाय 1 एंड 2 इटसेल्फ से। 3 की बात करें तो 3 भी आल्सो भी या तो 1 से डिविजिबल है और वो 3 से डिविजिबल है। सिमिलर अगर अपने 11 की बात करें तो 1 से या 11 से, तो वो सब क्या है अपने पास यहां प्राइम नंबर्स थे। और अगर अपने कंपोजिट नंबर की बात कर रहे थे तो कंपोजिट नंबर एक ऐसा नंबर था जिसमें क्या हो मोर देन 3 फैक्टर्स हो। अगर अपने बात करें मोर देन 2 फैक्टर्स की कि उसमें क्या हो 1 से भी डिविजिबल होना चाहिए, वो नंबर खुद से भी डिविजिबल होना चाहिए और उसके अलावा एक तीसरे नंबर से भी डिविजिबल होना चाहिए। वहां 3 से ज्यादा नंबर से भी डिविजिबल हो सकता है। कहने का मीन ये है कि वहां मोर देन फैक्टर्स कितने होने चाहिए, 2 होने चाहिए। फॉर एग्जांपल कि अगर अपने यहां बात की थी 12 की बात की थी, तो अगर अपने यहाँ 12 की बात कीजिए तो 12 के अगर अपने यहाँ फैक्टर की बात करेंगे तो इसका फैक्टर 1 भी है, ये 1 से भी डिविजिबल है। अगर अपने बात करेंगे यहाँ 12 तो ये ऑलरेडी इटसेल्फ 12 से भी डिविजिबल है। अगर अपने यहाँ बात करेंगे कि ये 2 से भी डिविजिबल है, अदर नंबर 3 से भी डिविजिबल है, 4 से भी डिविजिबल है और 6 से भी डिविजिबल है। तो ये सब इसके अपने पास में यहाँ क्या है फैक्टर्स है। बट यहाँ अपने को कौन से फैक्टर कंसीडर करने हैं, ओनली प्राइम फैक्टर कंसीडर करने हैं। तो अगर यहाँ प्राइम फैक्टर की बात करूँ तो प्राइम फैक्टर में ओनली अपने पास में कौन कौन से फैक्टर आ रहे हैं इसके, एक तो अपने पास में यहाँ 3-2 आ रहा है और एक यहाँ अपने पास में 3 आ रहा है। सिमिलर अगर अपने यहाँ बात कर रहे हैं कि एक कोई दूसरा नंबर फॉर एग्जाम्पल अपने 18 कंसिडर कर रहे हैं, अगर अपने यहाँ 18 कंसिडर करेंगे तो ये इसके फैक्टर की बात करें तो ये 1 से भी डिविजिबल है, 18 इटसेल्फ से भी डिविजिबल है। अगेन बात कर रहे हैं तो ये 2 से भी डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है और इसके अलावा अगर अपने यहाँ बात करेंगे देन ये 6 से भी डिविजिबल है और ये 9 से भी डिविजिबल है। तो यहाँ ये सब इनके क्या है फैक्टर्स है। बट अगर अपने बात करेंगे किससे प्राइम फैक्टर की, तो प्राइम फैक्टर में ओनली अगेन यहाँ कितना आ रहा है या तो 2 आ रहा है और अपने पास में यहाँ कितना आ रहा है 3 आ रहा है। इट मीन्स कि कंपोजिट नंबर जो है वो किस फॉर्म में लिखा जा सकता है, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर। तो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स या प्राइम फैक्टर्स अगर आपको फाइंड करना है उसी को क्या बोला जाएगा, आपको फैक्टराइजेशन मेथड बोला जाएगा। अगर आपको क्या है किसी भी कंपोजिट नंबर के प्राइम फैक्टर फाइंड करने हैं तो उस फैक्टर्स को फाइंड करना ही अपने को क्या बोला जाएगा कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, कि आपको उस कंपोजिट नंबर के क्या फाइंड करने पड़ेंगे, प्राइम फैक्टर फाइंड करने पड़ेंगे। फॉर एग्जांपल कि अगर अपने यहां 12 के प्राइम फैक्टर फाइंड करेंगे देन फैक्टराइजेशन मेथड यूज करेंगे। देन कैसे फाइंड करेंगे कि अगर यहां सबसे पहले 12 है तो 12 में बात करेंगे तो यहां किससे डिविजिबल होना चाहिए, प्राइम फैक्टर्स की बात करेंगे तो सबसे छोटा प्राइम फैक्टर अपने पास में यहां कितना है 2 है, तो ये 2 से भी डिविजिबल है। इवन नंबर है तो वो 2 से डिविजिबल होगा। देन यहां अपने पास 6 अगेन 2 से डिविजिबल होगा, 3 तो अगेन बात करेंगे तो 3 से डिविजिबल कितना 1 होगा। नेक्स्ट अगर अपने बात कर रहे हैं 18 को कंसीडर कर रहे हैं देन 18 के प्राइम फैक्टर्स की बात करेंगे तो यहां अगेन इवन नंबर है 2 से डिविजिबल होगा 9, 3 से डिविजिबल होगा 3 और 3 1। तो यहां अगर अपने को 12 को लिखना है किसमें प्राइम फैक्टर की फॉर्म में देन अपने लिखा जा सकता है प्रोडक्ट ऑफ इट प्राइम फैक्टर 2×2×3 या इसको लिखा जा सकता है 2×2×3। नेक्स्ट अगर अपने 18 की बात कर रहे हैं देन 18 के प्राइम फैक्टर अगर अपने फाइंड किए थे यहां देन 2×3 मल्टीप्लाई बाय 3 या इसको अपन लिखना चाहे तो 2×3 स्क्वायर। तो इस प्रकार से आपको क्या है कि यहां फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या बोलती है कि एवरी कंपोजिट नंबर जो होगा वो किस फॉर्म में लिखा जा सकता है, प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर, कि वो अपने ही प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में के मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिखा जा सकता है। कंपोजिट नंबर कंसीडर किया आपने यहां 12 और 18 तो उसके अपने प्राइम फैक्टर
देखेंगे कि उसके फैक्टर्स टोटल फैक्टर्स कौन कौन से हैं और उनमें से प्राइम फैक्टर्स कौन से हैं। अब इसको अपने को ओनली प्राइम फैक्टर्स में किस प्रकार से लिखना है, जो अपने फैक्टराइजेशन मेथड यूज किया यहां से अपने इसको फैक्टर फॉर्म में लिखे, और ये सब अपने पास में, यहां फॉर एग्जांपल 2 की बात करें ऑलरेडी प्राइम नंबर है, 3 की बात करें ऑलरेडी प्राइम नंबर है, तो इसको अपने प्राइम नंबर्स की बात करें। अब अगर अपने बात कर रहे हैं यहां HCF की बात करें, अगर आपको यहां HCF फाइंड करना हो, एक तो अपने HCF फाइंड कर रहे थे किसे, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से, जो कि अपने पास में लॉन्ग डिवीजन मेथड था। अब यहां आपको HCF जो फाइंड करना है वो फैक्टराइजेशन मेथड से फाइंड करना है, तो फैक्टराइजेशन मेथड में अगर आपको HCF फाइंड करना होगा तो यहां आपको क्या लेना होगा कि मिनिमम पावर लेनी होगी, मिनिमम पावर ऑफ कॉमन प्राइम फैक्टर कि सबसे पहले तो आपको क्या देखने पड़ेंगे, फैक्टर देखने पड़ेंगे, और वो फैक्टर कौन से होने चाहिए, प्राइम होने चाहिए, तो प्राइम फैक्टर जो होगा वही फैक्टराइजेशन मेथड हो जाएगा। बट यहां आपको क्या कंसीडर करना है, कॉमन, कि यहां कौन-कौन से प्राइम फैक्टर कॉमन आ रहे हैं और उनकी जो मिनिमम पावर है वही आपको यहां लेनी पड़ेगी। अगर यहां बात करेंगे तो प्राइम फैक्टर की बात करें तो 2 और 3 ये दोनों ही प्राइम फैक्टर है, कॉमन की बात करेंगे तो इसमें भी 2 आ रहा है, इसमें भी 2, दोनों में कॉमन है, 3 भी कॉमन है। बट आपको अगर HCF फाइंड करना हो तो क्या लेना पड़ेगा, मिनिमम पावर लेनी पड़ेगी। तो इट मींस कि अगर इन दोनों का HCF फाइंड करना होगा कि HCF of 12 and 18 की अगर आपको यहां बात करें then minimum power, अगर अपने यहां 2 factor दोनों में common है, minimum power यहां तो 2 है और यहां कितनी 1 है, तो minimum power आपके 1 ही होगी। 3 की अगर अपने बात करें यहां 1 है और यहां 2 है, minimum power कितना 1 है, then इसके अगर अपने बात करेंगे तो HCF कितना आएगा, 6 आएगा। तो HCF find करने के लिए आपको यहां क्या लेना होगा, minimum power लेनी होगी किसकी, common prime factor की। सिमिलर अगर अपने को यहां बात करनी है किसकी, एलसीएम की, अगर अपने यहां बात करेंगे तो एलसीएम में आपको ध्यान रखना है किसका लेना है, मैक्सिमम पावर लेना है, मैक्सिमम पावर लेना है ऑफ प्राइम फैक्टर। यहां ध्यान रखें कि ओनली आपको क्या देखना है, प्राइम फैक्टर देखने हैं, और उस प्राइम फैक्टर की आपको क्या लेनी है, मैक्सिमम पावर लेनी है। इसमें तो अपने किसकी ले रहे थे, जो कॉमन आ रहा था प्राइम नंबर उसकी अपने पावर ले रहे थे, और वो भी कौन सी, मिनिमम पावर ले रहे थे। बट यहां आपको ओनली प्राइम फैक्टर देखना है, और प्राइम फैक्टर की आपको क्या लेनी है, मैक्सिमम पावर लेनी है। अगर अपने यहां बात करेंगे एलसीएम ऑफ 12 एंड 18, अगर अपने यहां एलसीएम की बात कर रहे हैं किसकी, 12 और 18 की, देन प्राइम नंबर की बात करेंगे तो इसमें 2 आ रहा है, इसमें 2 है, बट अगर अपने मैक्सिमम पावर की बात करेंगे देन 2 3 प्राइम नंबर्स है, देन अपने पास में कंसीडर कर रहे हैं 3, मैक्सिमम पावर की बात करेंगे देन 2, तो ये 4 मल्टीप्लाई बाय 9, तो ये अपने पास में आ जाएगा 36 आ जाएगा। तो अपने को फर्स्ट चीज फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, तो कंपोजिट नंबर को प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखा जा सकता है, जो कि अपने यहां लिखा है। फिर उसके बाद में HCF अगर आपको फाइंड करने के लिए बोले तो आप उसका HCF फाइंड कर सकते हैं मिनिमम पावर को लेते हुए। अगर आपको LCM फाइंड करना हो तो LCM फाइंड कर सकते हैं जैसे मैक्सिमम पावर को कंसीडर करते हुए। अब अगर अपने को यहां बात करें कि प्रोडक्ट ऑफ एनी टू नंबर्स, जो अपने पास में यहां दो नंबर कंपोजिट नंबर कंसीडर कर रहे थे, तो सिमिलर अगर अपने यहां बात करेंगे प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर 12 मल्टीप्लाई बाय 18, तो अगर अपने यहां बात करेंगे 18 2 जब 36 के लिए अपने पास में 3, 18 1 जा 18 और 3 अपने पास में 216 आ जाएगा इसका प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। नाउ अगर अपने यहां बात करेंगे प्रोडक्ट ऑफ LCM एंड HCF, अगर अपने यहां LCM और HCF का प्रोडक्ट फाइंड करेंगे तो LCM ऑफ HCF का जो प्रोडक्ट होगा, LCM की अगर अपने बात करेंगे 36 है, और अगर अपने यहां LCM HCF की बात करेंगे देन 6 है, मल्टीप्लाई करेंगे 6 6 36 83 6 3 18 और 3 अपने पास 21 आ गया। तो यहां अगर अपने यहां नोट करेंगे देन प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स और प्रोडक्ट ऑफ LCM एंड HCF ऑफ दीस दोस टू नंबर, अगर अपने कोई दो नंबर कंसीडर कर रहे हैं और उनका LCM और HCF फाइंड कर रहे हैं, तो प्रोडक्ट ऑफ LCM और HCF जो होगा वो इक्वल हो जाएगा किसके, प्रोडक्ट ऑफ एनी टू नंबर्स। तो यहां से आपके पास में एक नया स्टेटमेंट आता है कि प्रोडक्ट ऑफ LCM एंड HCF, कि प्रोडक्ट ऑफ LCM एंड HCF इक्वल टू
कोई भी अगर अपने पास में दो नंबर होंगे ए और बी तो उन दोनों के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल हो जाएंगे, या अगर आप यहाँ लिखना चाहो तो एलसीएम इनटू एलसीएफ इक्वल टू अपने पास में आ जाएगा ए इनटू बी। यहाँ ए एंड बी जो क्या है दो कंपोजिट नंबर है। फॉर एग्जांपल अगर अपने इसमें बात करेंगे तो ए अपने यहाँ कंसिडर कर रखा है 12 और बी अपने यहाँ कंसिडर कर रखा है 18। तो ये एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीटली बेसिस है इस पर, एक तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक जिसमें आपको फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाई करना पड़ेगा। फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाई करते हुए आपको क्या फाइंड करना हो, उनका एचसीएफ फाइंड करना पड़ेगा या उनका एलसीएम फाइंड करेगा, या फिर आपको वो क्या है कि वेरीफाई भी करवा सकता है कि आप पहले उनका एलसीएम फाइंड कीजिए, एचसीएफ फाइंड कीजिए किसी भी दो नंबर्स का, और फिर बाद में आपको क्या फाइंड करना होगा, वेरीफिकेशन करना होगा कि उनका एलसीएम और एचसीएफ का जो प्रोडक्ट है वो उन्हीं दो नंबर्स के प्रोडक्ट के इक्वल है। तो अब अपने क्वेश्चन 1 की बात करें, अगर अपने एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चंस नंबर 1 की बात करेंगे तो क्वेश्चंस 1 जो है वो आपको क्या करना है, एक्सप्रेस करना है किसी भी कंपोजिट नंबर को किसमें, प्राइम फैक्टर्स में। एक्सप्रेस ईच नंबर इन प्राइम फैक्टर। आपको क्या है कि कोई भी नंबर गिवन होगा, फॉर एग्जांपल कि अगर अपने यहां बात करते हैं 468, तो ये 468 एक क्या है कि आपको नंबर गिवन है और उस नंबर को आपको क्या है कि प्राइम फैक्टर में फाइंड करना है। तो बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड वी गेट, अगर आपको यहां प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करना है तो 468 इवन नंबर है तो सबसे छोटे नंबर से स्टार्ट करेंगे अपने, तो सबसे छोटे प्राइम नंबर्स की बात करें देन 2 है तो यहां इवन नंबर है तो 2 से डिविजिबल होगा, तो यहां अपने पास में आ जाएगा 2 3 4। अगेन अगर अपने यहां बात करेंगे 4 एक इवन नंबर है, लास्ट डिजिट इवन नंबर है तो वो भी 2 से डिविजिबल होगा, देन 1 1 7। अब यहाँ 7 आ गया, तो अगर अपने यहाँ लास्ट डिजिट की बात कर रहे हैं 7 है, 7 यहाँ क्या है कि एक प्रकार ओड नंबर है, ये इवन नंबर नहीं है, तो यहाँ 2 से डिविजिबल नहीं होगा। अब उसके बाद में नेक्स्ट अपने प्राइम नंबर की बात करेंगे, नेक्स्ट प्राइम नंबर अपने पास में क्या है 3, तो आपको यहाँ 3 चेक करना है कि क्या 3 जो है वो डिवाइड करेगा 117 को। तो 3 का डिविजिबिलिटी रूल ये बोलता है कि अगर कोई भी नंबर है और उसके डिजिट्स का सम अगर 3 से डिविजिबल हो तो वो नंबर भी क्या होगा 3 से डिविजिबल होगा। फॉर एग्जाम्पल 7 की बात करें, 7 और 1 8 प्लस 1 करें 9, तो यहाँ जो 9 है वो क्या है 3 से डिविजिबल है, तो इसलिए 117 भी क्या होगा 3 से डिविजिबल होगा। देन 3 3 9 9 27, रिमेनिंग कितना 27, तो ये अपने पास में 9। अगेन 39 इवन नंबर है, तो 3 के बाद अब अपने पास में यहाँ 2 कंप्लीट कर चुके हैं, अब अपने को आगे नंबर पढ़ते जाने हैं, या तो यहाँ 3 आएगा या 3 के बाद अपने को चेक करना पड़ेगा 5 7 इस प्रकार से। लेकिन यहाँ 39 की बात करेंगे तो 39 की बात करेंगे तो 9 और 3 अपने पास में कितना 12, तो 12 भी 3 से डिविजिबल होगा, देन 3 13। अब अगर अपने नेक्स्ट बात करेंगे, 3 तो कंप्लीट कर चुके हैं, नेक्स्ट 5 की बात करेंगे, तो 5 का डिविजिबिलिटी रूल ये बोलता है कि या तो यूनिट डिजिट कितना होना चाहिए 0 होना चाहिए, कितना होना चाहिए 5 होना चाहिए, तो यहाँ 5 से डिविजिबल नहीं होगा। तो सिमिलरली यहाँ 13 भी एक ऑलरेडी क्या है प्राइम नंबर है, तो अगर आपको प्राइम नंबर है तो यहाँ डायरेक्ट इसका फैक्टर आ जाएगा 13 और इवन आ जाएगा। तो अगर आप यहाँ लिखेंगे 468 को, तो 468 को अपने लिखेंगे प्राइम फैक्टर में 2 × 2 × 3 3 13, और इसी को अपने लिख सकते हैं 2 की पावर 2 × 3 की पावर 2 × 3। तो ये इसका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है, जो आपको प्राइम फैक्टर फाइंड करना था कि एक नंबर दे रखा है आपको 468 और इसको लिखना था आपको किसमें प्राइम फैक्टर में, तो ये सब इसके क्या है प्राइम फैक्टर। सेकंड अगर अपने यहाँ बात करते हैं, ट्वेंटी थाउजेंड फाइव हंड्रेड सेवेंटी है, तो अगर अपने यहाँ 70 है आपके क्वेश्चंस के, तो अगर इसको बात करेंगे अपने बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड,
20,570. यूनिट डिजिट अगेन कितना, जीरो, तो ये टू से डिविजिबल होगा, 10, 2, 4, 17, 8, 5. अब अगर अपने यहाँ नेक्स्ट बात करेंगे, 2 कंप्लीट हो चुका है, अब यहाँ ओड नंबर आ गया है, तो अपने बात करेंगे 3 पर. 3 के लिए बात करेंगे, तो 5, 8, 13, 2 अपने पास में कितना 15 और 1 अपने पास में कितना 16. तो 16 यहाँ क्या है कि 3 से डिविजिबल नहीं होगा, तो अगर यहाँ 16 3 से डिविजिबल नहीं है, तो ये पूरा कंप्लीट नंबर भी क्या होगा, 3 से डिविजिबल नहीं होगा, इसलिए अपने नेक्स्ट नंबर की बात करेंगे 5. तो 5 की अगर अपने यहाँ बात कर रहे हैं, तो इसका डिविजिबिलिटी रूल ये बोलता है कि यूनिट डिजिट या तो 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए, तो यहाँ अपने क्या लेंगे, 5 लेंगे. तो 5 की बात करेंगे, तो देन अपने पास में 2, 10, 0, 5, 7. या अब अगर अपने यहाँ बात करेंगे 7 की, तो यहाँ 7 5 से डिविजिबिलिटी रूल अप्लाई नहीं होगा, लास्ट डिजिट कितना है 7. अब अगर अपने यहाँ बात करते हैं कि एक बार आप चेक करेंगे कि इसके बाद में 11 की डिविजिबिलिटी रूल ये बोलती है कि इनके ऑड नंबर के प्लेस के डिजिट और इनके इवन नंबर के प्लेस के डिजिट का सम जो है, तो दोनों का सम करके उनका डिफरेंस या तो 0 होना चाहिए या उनका मल्टीपल कितना होना चाहिए, 11 से डिविजिबिलिटी होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल की अगर अपने यहाँ बात कर रहे हैं 2057 की बात कर रहे हैं, तो ये अपने पास में यहाँ फर्स्ट पोजीशन पर, सेकंड पोजीशन पर, थर्ड और ये फोर्थ पोजीशन पर, तो इट मींस ये तो दोनों किसमें है, ओड पोजीशन पर है. और अगर इन दोनों की बात करेंगे यहाँ, तो ये अपने पास में किसमें है, इवन पोजीशन पर है. तो ऐसे सम जो है तो ओड पोजीशन पर हो या फिर अपने पास में क्या हो, इवन पोजीशन पर हो, तो उनका सम अगर अपने यहाँ ओड की बात करेंगे, तो ओड में अपने पास में 7 आ रहा है और अपने पास में 0 आ रहा है, तो अगर अपने इसका बात करेंगे तो 0 प्लस 7 अपने पास में कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा. अगर अपने इवन नंबर के प्लेस डिजिट का सम करेंगे, तो यहाँ अपने पास में 2 है और 5 है, तो 2 और 5 की अगर सम करेंगे देन 7. तो या तो इन दोनों के सम का जो डिफरेंस है वो कितना आना चाहिए, या तो 0 आना चाहिए, या अपने पास में क्या आना चाहिए, 11 का मल्टीपल आना चाहिए. अगर ऐसा आ रहा है तो वो नंबर जो होगा वो क्या होगा, 11 से डिविजिबल होगा. तो यहाँ अगर अपने बात करेंगे तो इवन नंबर के डिजिट का सम और ऑड नंबर के डिजिट के सम का डिफरेंस जो है वो अपने पास में 0 आ रहा है, इट मींस ये जो नंबर होगा वो 11 से डिविजिबल होगा. तो नेक्स्ट अगर अपने यहाँ बात करेंगे 11 की, तो 11 की अगर अपने यहाँ बात कर रहे हैं, तो ये 1 टाइम्स 11, 95, 8 सा 88, 77. अगेन अगर अपने यहाँ बात करेंगे 187 की बात करेंगे, तो अगर ओड नंबर की बात करेंगे तो 7 और 1 अपने पास में 8 और इवन नंबर पर अपने पास में कितना 8 है, दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा 0. तो अगेन ये 11 से डिविजिबल होगा, 11 से डिविजिबल होगा, देन 11 बन जा 11 7 तो 17. तो 17 एक खुद अपने पास में क्या है, प्राइम नंबर है, देन यहां अपने पास में आ जाएगा 1. तो सो 20,570 को अपने लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 5 11 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 17. या अगर इसको प्राइम फैक्टर फॉर्म 2 5 11 स्क्वायर 2 में 17, तो ये इसके अपने पास में क्या देंगे, प्राइम फैक्टर. नेक्स्ट अभी अपने जो पढ़ा है इस क्वेश्चंस में वो अपने को ओनली क्या है कि प्राइम फैक्टर फाइंड करने हैं. नेक्स्ट अगर अपने बात करेंगे तो अपने को क्वेश्चंस है, अपने पास में जो क्वेश्चंस है वो ये है कि आपको क्या फाइंड करना है, एचसीएफ फाइंड करना है, एलसीएम फाइंड करना है और वेरीफाई भी करना है. आपको वेरीफाई करना है कि एलसीएम मल्टीप्लाइड बाई एलसीएफ इक्वल टू आपके पास में क्या होना चाहिए, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर. क्वेश्चन नंबर 2 की अगर अपने बात करें, क्वेश्चन नंबर 2 में आपको क्या फाइंड करना है, एलसीएफ फाइंड करना है, एलसीएम फाइंड करना है और आपको ये वेरीफाई भी करना है कि एलसीएम और एलसीएफ दोनों का जो प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर के. अगर अपने यहाँ बात करें, फर्स्ट नंबर कंसिडर कर रहे हैं, एक नंबर 96 है एंड जो सेकंड नंबर है वो 404 है. इन दोनों का आपको फाइंड करना है, एचसीएफ फाइंड करना है और इनका एलसीएम फाइंड करना है. तो अगेन बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड
कर रहे हैं, देन 96 का अगर अपने प्राइम फैक्टर फाइंड करेंगे 2 48 2 24 2 12 2 6 3 1, देन 96 प्राइम फैक्टर की फॉर्म में 2 की अगर अपने बात करेंगे तो 1 2 3 4 5 5 10 लिखा गया है, देन 2 5 10 एंड 3 1 10, 2 की पावर 5 एंड 3 की पावर। नेक्स्ट 404 की अगर अपने बात करेंगे, 404 अगेन इवन नंबर है तो 2 से डिविजिबल होगा, 202 की बात करेंगे तो 101। अब यहां 101 भी एक अपने पास में क्या है, प्राइम नंबर है, 3 डिजिट का स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर जो है वो अपने पास में कितना है, 101 है, तो 101 अगेन यहां कितना जाएगा। अगर अपने यहां प्राइम नंबर की बात कर रहे हैं तो 1 डिजिट, अगर अपने सिंगल डिजिट में बात करेंगे तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर आपके पास में कितना है, 2 है। अगर अपने सेकंड डिजिट मतलब 2 डिजिट की बात करें तो 2 डिजिट में स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर जो आपके पास में कितना है, 11 है। अगर अपने यहां 3 डिजिट की बात करेंगे तो 3 डिजिट में जो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है वो आपके पास कितना है, 101 है। तो यहां 101 भी ऑलरेडी एक प्राइम नंबर है, तो ये इसके क्या आ जाएंगे, प्राइम फैक्टर। सो 404 कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ 2 × 2 × 101 एंड 2 to the power 2 and 01। नेक्स्ट अगर अपने यहां बात करेंगे कि आपको इसका क्या फाइंड करना है, HCF फाइंड करना है, तो अगर आपको HCF फाइंड करना हो तो HCF के लिए आपको क्या लेना पड़ेगा, यहां मिनिमम पावर ऑफ कॉमन प्राइम फैक्टर, मिनिमम पावर ऑफ कॉमन प्राइम फैक्टर। तो प्राइम फैक्टर की बात करेंगे और कॉमन भी होना चाहिए, तो इसमें 2 है और इसके अंदर भी 2 है और उनकी मिनिमम पावर अपने पास में कितनी है, 2 है, तो यहां 2 की पावर 2, इट मींस 4, जो 4 होगा वो इन दोनों नंबर का क्या होगा, HCF होगा। नेक्स्ट अगर अपने यहां बात करेंगे LCM, तो LCM की बात करेंगे तो LCM में यहां आपको क्या लेना होगा, मैक्सिमम पावर लेना होगा, मैक्सिमम पावर ऑफ प्राइम फैक्टर, जो भी अपने पास में प्राइम फैक्टर यहां आ रहे हैं उनके अपने पास में प्राइम फैक्टर की मैक्सिमम पावर आपको कंसीडर करनी होगी। तो मैक्सिमम पावर कंसीडर करेंगे तो इसमें अगर अपने यहां बात कर रहे हैं तो 2 की 2 प्राइम फैक्टर है, इसमें भी अपने पास में यहां क्या है, 2 एक प्राइम फैक्टर है, तो इसकी पावर अगर अपने पास में 5 है और यहां पावर कितनी है, 2 है, तो इनकी मैक्सिमम पावर जो होगी वो कितनी आ जाएगी, 2 की पावर 5 आ जाएगी। नेक्स्ट अपने पास में यहां बात करते हैं कि यहां तो 3 है और यहां कितना है, 101 है, तो 3 यहां दोनों में क्या है कि कॉमन नहीं है, बट अपने क्या फाइंड कर रहे हैं, एलसीएम फाइंड कर रहे हैं, तो अगर यहां 3 नहीं है तो क्या मैं इसको यहां 3 की पावर 0 ले सकता हूं, क्योंकि 3 का पावर अगर अपने किसी भी नंबर का पावर कितना ले रहे हैं, 0 ले रहे हैं, तो उसका मीन क्या होता है, 1 होता है। अगर अपने किसी भी नंबर का पावर कितना ले रहे हैं, 0 ले रहे हैं, तो इसका मीन यहां कितना है, 1 है, जब वो जो 1 होता है वो एवरी नंबर का क्या है, एक फैक्टर है, तो यहां 1 क्या है, इसका भी फैक्टर है 404 का, और इसको क्या मैं 3 की पावर 0 की फॉर्म में लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं, क्योंकि किसी भी नंबर का पावर अगर अपने 0 ले रहे हैं तो इसका मीन क्या होगा, 1 होगा। तो अब अगर अपने यहां बात करेंगे कि 3 की पावर यहां तो कितनी है, 1 है, और यहां 3 की पावर की बात करेंगे तो 0 है, तो इसीलिए अपने को क्या करना है, मैक्सिमम पावर कंसीडर करना है, तो यहां तो 0 है और यहां कितना है, 1 है, तो यहां मैक्सिमम पावर अपने पास में कितना आएगा, 3 आएगा। सिमिलर अगर मैं यहां बात करूंगा 101, तो यहां 101 की पावर जो है तो कितनी है, 1 है, बट यहां अपने पास में 100 पावर कितने हैं, यहां अवेलेबल नहीं है, बट यहां क्या है, 1 है, और अगर मैं यहां 100 पावर 101 की पावर 0 लिख दूं तो यहां तो पावर 0 आ जाएगी और यहां पावर कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो आपको क्या करना है, मैक्सिमम पावर कंसीडर करना है, तो मैक्सिमम पावर यहां कितनी आ जाएगी आपके पास में, 101 की पावर 1 आ जाएगी। तो ये तो आपको समझाने के लिए है, मेनली आपके प्राइम फैक्टर ये है और इसके प्राइम फैक्टर ये है, तो इसलिए एलसीएम अगर आपको फाइंड करना हो तो यहां एलसीएम आप सिमिलर फाइंड कर सकते हैं। अब अगर अपने पास में 2 की पावर 5, तो 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 101, 2 2 4 2 8 2 16 32 एंड 303। अगर आपको यहां बात करनी है इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन फाइंड करना है, तो मल्टीप्लिकेशन फाइंड करने के लिए आप बड़ा नंबर लेफ्ट साइड लिखें और राइट स्मॉलर नंबर राइट साइड लिखें,
अब एक तो ये तरीका है इसका कि अगर अपने पास में 303 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 32 से, तो एक तो अपने यहाँ कंसिडर करेंगे देन 606909 यहाँ से कंसिडर करेंगे तो 9696 ये इसका मल्टीप्लीकेशन आ जाएगा। बट अगर आपको एक सिंगल लाइन में इसका आंसर चाहिए तो सिंगल लाइन के आंसर के लिए आपको क्या करना है कि सबसे पहले फर्स्ट डिजिट को फर्स्ट डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और फिर ये सेकेंडरी नंबर जो है वो इसको क्या करता जाएगा, फॉलो करता जाएगा। फॉर एग्जाम्पल कि यहाँ अपने पास में कितना है 2 है, तो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे अपने 3।